आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज है वेनेसडे। वेनेसडे मतलब मोटिवेशनल स्टोरी का दिन। तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। कई साल पुरानी ये कहानी है। एक बहुत ही ताकतवर राजा थे। राजा भगवान को बहुत मानते थे। भगवान में उनकी बहुत ज्यादा आस्था थी। इसके साथ ही वो अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा का दरबार लगा। दरबार में उनके सारे मंत्री भी साथ में ही बैठे थे कि इतने में वहां एक साधु आते हैं। अब राजा भगवान को बहुत मानते थे, तो इसलिए वो साधु संतों का भी बहुत सम्मान करते थे। राजा ने साधु को आदर पूर्वक बिठाया। साधु ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद के रूप में एक ताबीज दिया और साधु ने कहा, आप जब भी किसी परेशानी में हो ये ताबीज खोल लेना। इस ताबीज के अंदर मैंने एक कागज रखा है और उस कागज पर एक मंत्र है। वो मंत्र आप जब भी पढ़ोगे आप किसी भी मुश्किल से तुरंत निकल जाओगे। राजा बहुत खुश हुआ और उसने वो ताबीज अपने गले में बांध लिया। फिर कुछ महीनों बाद एक बार जब राजा जंगल में गए हुए थे, तब उनको दुश्मनों ने वहां पे घेर लिया। दुश्मनों से बचने के लिए राजा एक गुफा में छुप गए। अब गुफा के बाहर सारे दुश्मन हैं और राजा गुफा के अंदर है, पर दुश्मनों को पता नहीं चला कि राजा अंदर है। पर ऐसे करते करते 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, पूरे 2 दिन बीत गए। अब राजा ये सोच रहे थे कि यहां से दुश्मन जाएं और मैं बाहर निकल के अपने महल में जाऊं। राजा बहुत परेशान थे कि इतने में राजा को साधु की वो बात याद आई और उन्होंने साधु का दिया ताबीज निकाला। ताबीज निकालते ही ताबीज के अंदर एक छोटा सा कागज था। वो कागज निकालकर जैसे ही राजा ने पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने चैन की सांस ली। अब उनकी परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। पर ऐसा क्या लिखा था उस पेपर पर? उस पेपर पर लिखा था, समय कितना भी बुरा हो बीतता जरूर है। जी हां दोस्तों, अगर अभी लाइफ में आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो याद रखिए, ये समय आपका कितना भी बुरा चल रहा हो बीतेगा जरूर और अच्छा समय जल्द ही आपके जीवन में वापस आएगा। तो अच्छे समय में घमंड मत करना और बुरे समय में घबराना मत, बुरा समय भी बीतेगा जरूर। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर इसे जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।